Let me know, agar rec nikal jata hai, then tell me. Hi. Okay. Life of Christ. ओके हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में सीख रहे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सीख रहे. फिलहाल तो हम यीशु मसीह के आने के पहले के बातें सीख रहे. ओके व्हाट हैपेंड बिफोर जीसस केम. ओके सो व्हाट हैपेंड बिफोर जीसस केम. और हम देख रहे दो कहानियां हमने देखा. एक गैब्रियल ज़करियास के पास चला जाता है, करेक्ट. वी सॉ दैट गैब्रियल विजिट्स ज़करियास, है ना. दूसरा ये लूक 1:5-25. दूसरा हमने देखा गैब्रियल विजिट्स मैरी. गैब्रियल मरियम के पास जाता है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी मैरी विजिट्स एलिजाबेथ, मतलब मरियम एलिजाबेथ को देखने के लिए जा रहे हैं. तीन विजिटेशन देख रहे हैं हम यहाँ पे. एक गैब्रियल का ज़करियास, दो गैब्रियल और मरियम, और तीन मरियम और एलिजाबेथ. और ये कहानी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सरल है, और सरलता के वजह से हम कुछ चीज़ें इसमें खो सकते हैं. वी मे मिस द जेम्स, पूरे जो मोती है, अनमोल मोती इस कहानी में, वो हम मिस करेंगे अगर हम इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे. ना जाने क्यों ये चीज़ें बाहर बतलाए सिखाई नहीं जाती. क्यों? क्योंकि ये क्रिसमस के वक्त ही सिखाया जाता है, वरना इसको कोई नहीं पकड़ता. क्यों? क्योंकि लोग सिर्फ ग्रेस, अनुग्रह, क्रूसिफिक्शन, रिजरेक्शन, होली स्पिरिट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पकड़ते हैं. पर ये जो यीशु मसीह के आने के पहले की सुंदरता अगर कोई हमें सिखाए, तो वाह, यीशु मसीह जो आए हमें और आदर और ये मिले, सम्मान देंगे. ठीक है, तो पहले 38 वर्सेस में हमने दो कहानियां देखी. एक कहानी लूक ने प्रेजेंट किया ज़करियास के साथ, और दूसरा कहानी मरियम के साथ. ज़करियास को मिला कहाँ पे? साउथ में. साउथ मतलब जेरूसलम, जो नीचे के तरफ में है, जूडिया, साउथ टेंपल में मिला. मरियम को जाके मिला किधर? नॉर्थ में. नॉर्थ में मतलब नाजरत के पास. ओके और दोनों के बीच में क्या था? दोनों के बीच में बहुत अंतर था, ना केवल मीलों का अंतर पर महीनों का अंतर भी, 6 महीने का अंतर. और 6 महीने का अंतर क्यों, ये भी मैं आपको बताऊंगा. कोई भी ऐसे बात परमेश्वर के वचन में नहीं है जो बिना मतलब के, बिना मायने के है. हर एक चीज का मायना, हर एक चीज का मतलब होता है. ठीक है, आज हम सीखेंगे. यहाँ पे दो नरेशंस है, दो नैरेटिव्स है, या दो कहानियां है. एक एलिजाबेथ के कोख से सबसे महान व्यक्ति वो है जॉन द बैप्टिस्ट, सबसे महान भविष्यवक्ता. और दूसरा मरियम के कोख से सबसे महान मसीहा वो है हमारा यीशु मसीह. दोनों का कहानी इसमें समय को भी नहीं. और लास्ट में ये ठीक है. नाउ यू फिनिश राइटिंग? ओके. सुंदरता इस चीज के बारे में ये है, सुंदरता इस चीज के बारे में ये है कि दोनों भी औरतों को बच्चा पैदा होने का कोई भी संभावना नहीं था. एक क्योंकि वो बहुत बूढ़ी थी, दूसरी बहुत छोटी. एक जो शादी करके बहुत साल बिताए, दूसरा जिसने आदमी को ज्यादा तक नहीं. तो ये दोनों से परमेश्वर चमत्कारों का आरंभ करते हैं. क्योंकि मैंने याद है आपको बताया था 400 साल तक कोई भी चमत्कार नहीं हो रहा था. एंजल्स मतलब दूत लोगों से बात नहीं करते थे. 400 साल तक सुनसान और अकाल पड़ा था. सब अपने आप ही वो लोग सोचने लगे कि ऐसा रहेगा परमेश्वर का वचन, ऐसा 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 अपनी कहानियां बनाने लगे. परमेश्वर किसी से बात नहीं कर रहे, पर परमेश्वर ने अभी शुरू किया. किससे शुरू किया? दो औरतों से जो अननोन थे. शाही खानदान से नहीं थे ये लोग, बड़े खानदान से नहीं थे, उनका नाम रुतबा नहीं था. फिर भी परमेश्वर ने इन दो औरतों को चुना, वो भी मीलों दूर, वो भी कितने महीनों के बाद. क्यों परमेश्वर ये सब क्यों कर रहा है बताएंगे. ओके और हैरानी की बात यह है कि दोनों बहनें थी, कजन्स. कजन्स को कहते हैं दोनों कजिन्स थे. पर दोनों के जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसे दोनों धक्के या उनको धक्का लगा. एक एलिजाबेथ, वो तो छुपी हुई थी, 5 महीने तक छुपी हुई थी अपने प्रेगनेंसी को लेके. क्यों? क्योंकि वो डर रही थी. क्योंकि वो डर रही थी कि शायद से ये है सही या नहीं है. पर मरियम के पास कुछ प्रूफ नहीं था. मरियम के पास अभी भी कुछ प्रूफ नहीं था.
और वचन किसके पास गया? जकरियास के पास गया, एलिजाबेथ के पास नहीं गया, और एलिजाबेथ यहाँ पे प्रेग्नेंट हुआ। ऐसे कैसे? जकरियास ने उसको बताया भी नहीं क्योंकि वो तो गूंगा हो गया था। तो एलिजाबेथ ने अपने आप में क्या सोचा रहेगा कि मेरे पति भी क्या सोचते रहेंगे, ये क्या है? जकरियास ने आके उनको बताया रहेगा कि एंजल आया था, मुझे मिला था, नहीं बता सकते थे। फिर मरियम, फिर एलिजाबेथ अपने आप को क्या, मतलब जकरियास के सामने क्या मुंह लेके जाएगी कि क्या है मेरे सामने? उस जमाने में सोनोग्राफी वगैरह कुछ नहीं था, तो उनको ये लगा था कि शायद से कुछ बीमारी है क्या मेरे पेट में। सी अंडरस्टैंड समथिंग, आप ह्यूमन लॉजिक से अगर जाओगे ना, आपको लगेगा कि सब गलत ही हो रहा है आपके साथ, पर परमेश्वर के वचन में रोमियो 8 में लिखा है कि सारी बातें तुम्हारे भलाई के लिए उत्पन्न। कुछ बातें नहीं, वही बातें जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, नहीं सारी बातें। मतलब आप कह रहे मुझे कि जो बातें गंदे हैं वो भी, हाँ, जो बातें में इतना दम नहीं है वो भी, हाँ, जो बातें मुझे समझ में नहीं आ रहे वो भी, हाँ, सारे बातें। आप परमेश्वर को सरप्राइज नहीं दे सकते, है ना? नहीं सरप्राइज नहीं दे सकते परमेश्वर को, है ना? तो सारे बातें उत्पन्न होती है हमारे भलाई के लिए। तो एलिजाबेथ वहां पे बैठी थी और सोच रही थी कि मैं जकरियास को क्या बताऊं, पर कुछ जकरियास पूछ भी नहीं सकता था क्योंकि जकरियास तो गूंगा था, तो क्या बोलेगा वो? तो हटाते थे ये बच्चे, वैसे भी पूछ नहीं सकते, क्या क्या चिल्लाएगा मुझको, है ना? चुपचाप बैठी थी, सबसे छिपकर। पर उनको पता नहीं है कि किसी को पता चल जाएगा, वो भी 6 महीने के बाद, वो भी इतना दूर। वो अपने आप में ही सोच रही थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये अजीब और गरीब चीज क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तक कोई चमत्कार हुआ नहीं है, तो ये तो चमत्कार नहीं हो सकता है, ये तो बीमारी ही होगा। क्योंकि उनके मेंटालिटी में वो था कि अगर मेरा पेड़ बढ़ा है मतलब बीमारी ही रहेगा, इतना बड़ा कैसा हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जकरियास ने बताया नहीं उनको। तो क्या हुआ? पर एंजल ने जाके मरियम को पूछा, पर 6 महीने बाद। क्यों 6 महीने बाद? ये सवाल हमें पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लूक ने लिखा वहाँ पे 6 महीने के बाद, तो 6 महीने गैब्रियल तुरंत भी जा सकता था मरियम के पास एलिजाबेथ से बात करने के बाद, अभी जकरियास से बात करने के बाद तुरंत भी जा सकता था। कितना टाइम लगता है एक एंजल को पहुँचने के लिए वहाँ? क्योंकि अगर मरियम को, अगर एलिजाबेथ को पेट बड़ा नहीं था, अगर 6 महीने खत्म नहीं हुआ, तो मरियम और एलिजाबेथ दोनों को सही वचन मिला, सेम वचन मिला, पर दोनों सोच करेंगे अरे ये क्या गड़बड़ है, मुझे भी एंजल ने बताया पर कुछ हुआ नहीं। दोनों बैठ के वहाँ पे बातें करते रहेंगे, अरे होगा क्या, नहीं होगा क्या, नहीं, एक को प्रूफ दिलाना था इसलिए दूसरे को पहले रुकाया ताकि उसका पेट बड़ा हो जाए, फिर दिखे कि ये प्रेग्नेंट है, देखो भाई तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। यीशु के पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को आना था। तो दोनों के अंतर में, यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंतर में कितना? 6 महीने का गैप था। दोनों के कहानी सेम है, दोनों के कहानी में बहुत सिमिलैरिटीज है। एक बात बताओ आपको, ये पूरे चमत्कार के युग को शुरू किया परमेश्वर ने दो औरतों के लिए। ये कहानी दो औरतों का है, लूक अपना अकाउंट दो औरतों से शुरू करता है। इमेजिन, जूश कस्टम में औरतों का कोई इतना सम्मान और मान नहीं होता था, इतना उनको जीनियोलॉजी में उनका नाम भी नहीं आता था, वो सिर्फ घर बनाने के लिए और घर रखने के लिए है। पर लूक ने इन दो औरतों से अपना गॉस्पल शुरू किया, और वो भी ये दो औरत जिन्होंने, जिनके द्वारा परमेश्वर का चमत्कार का युग शुरू हुआ, आरंभ हुआ। आपको नहीं लगता कि ये एक करारा जवाब है शैतान के लिए, जिसने एक औरत का इस्तेमाल किया पाप को लाने के लिए मनुष्य के द्वारा? परमेश्वर एक औरत का इस्तेमाल कर रहा है उद्धार लाने के लिए मनुष्य के द्वारा। ये परमेश्वर का करारा जवाब है। दो औरत, आज उनके नाम बाइबल में, आपके बाइबल में लिखा हुआ है, पूरी दुनिया मालूम है इन दो औरतों के बारे में। तो दोनों भी कहानी जो है
आपको शौक लगेगा क्योंकि दोनों भी कहानी जो है जकरियास का और मरियम का दोनों सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। बट देखते ओके, पहले में आपको पता है जब हम जकरियास के बारे में देख रहे थे तो जकरियास को भी एक उनके बारे में बताया गया था, करेक्ट। जकरियास कैसा था? जकरियास और एलिजाबेथ धर्मी थे, कहाँ से आए थे वो, किसके गोत्र से थे, सब उनके बारे में बताया। मरियम के बारे में भी वही बताया। फिर उसके बाद उनको ये भी दिया कि तुमको एक बच्चा जन्मेगा, ये भी बात बताई वहां पे कि क्यों उनके लिए नामुमकिन था, एक इनके लिए क्योंकि ये बूढ़े थे और एक इनके लिए क्योंकि ये लोग मरियम जो थी वो एक कुंवारी थी। तो ऑब्स्टिकल लिखा गया सबसे पहले उनके माता या उनके माता पिता। दूसरी बात जो सिमिलर है दोनों अकाउंट में, ऑब्स्टिकल ये लोग बूढ़े थे, ये लोग ये कुंवारी थी, ओके। उसके बाद जो दिया गया वहां पे गैब्रियल आता है दोनों के पास, गैब्रियल दोनों को बताता है, दोनों भी रिएक्ट करते हैं, एक चौंक जाते हैं, एक भी चौंक जाता है, दोनों भी चौंक जाते हैं, फिर दोनों रिएक्ट करते हैं क्योंकि गैब्रियल उनको बोलता है डू नॉट बी अफ्रेड, डर मत। उसके बाद दोनों को बताया जाता है कि दोनों को एक बच्चा पैदा होगा, वो भी एक पुत्र। उसके बाद दोनों को बताया जाता है कि वो पुत्र महान होगा, एक ऑब्वियसली ज्यादा महान, पर दोनों को बताया जाता है कि एक पुत्र महान होगा। उसके बाद जकरियास का ऑब्जेक्शन क्या है, क्योंकि वो विश्वास नहीं करता है, इसलिए वो कहता है कि मैं विश्वास नहीं करता, उसने ये बयान किया कि मैं विश्वास नहीं करता। पर मरियम के केस में मैं इसको समझ नहीं पा रही हूं, मरियम विश्वास नहीं कर रही, ये मरियम का विश्वास का सवाल नहीं था, मरियम समझ नहीं पा रही। दैट्स व्हाई गैब्रियल दोनों गैब्रियल एंजल गैब्रियल ने दोनों को एक चिन्ह दिया। जकरियास को क्या चिन्ह दिया? मरियम को क्या चिन्ह दिया? दोनों को चिन्ह। सो दोनों अकाउंट इतने तरल है, इतने खूबसूरत रीति से लूक ने ये लिखा दोनों के बारे में, जॉन द बैप्टिस्ट और जीसस के लाइफ के बारे में। ब्यूटीफुल ओके। अभी एक चीज याद रखना, ये दोनों औरतें जो है मीलों दूर बैठे हैं और बहुत महीने उनके बीच में है और सर्कमस्टांसेस अलग है उनके, ठीक है। अभी ये दोनों मिल जाते हैं, रीड वर्स 13 1 वर्स 13। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई। ओके, मरियम कहां गई? शीघ्र, पर कहां गई? पहाड़ियों के देश में यहूदा के एक नगर में हेब्रोन। हमने लास्ट बार भी पढ़ा था कि हेब्रोन था, क्योंकि प्रीस्ट लोग जो रहते थे वो हेब्रोन में रहते थे, तो मरियम उधर गई, ठीक है। एक चीज याद रखो, मरियम क्यों गई? दे वेंट टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, एक दूसरे के अनुभव को शेयर करने के लिए। आप जब किसी से मिलते हैं आप क्या शेयर करते हो? एक्सपीरियंस, करेक्ट। पर उनके एक्सपीरियंस में एक बात नेगेटिव नहीं। हमारे एक्सपीरियंस में कैसा क्या रहता है? अरे मेरे साथ ऐसा हो, मेरे साथ हो, एक का कहानी दूसरे से बेहतर होना चाहिए। अरे तुम्हारे साथ ये तो हुआ, अरे मेरे साथ तो इससे। हम बड़ाई मारते हैं खराबी में, यहोवा के भलाई में नहीं। ये दोनों नहीं आए थे गॉसिप करने के लिए कि हमारे जिंदगी में क्या बकवास चल रही है, ये दोनों आए परमेश्वर के भलाई के बारे में बात करने के लिए। ओपन मलाकी 3:16, ये बाय हार्ट करो, ये वर्स आपको लास्ट बार भी बताया था, जस्ट रियर इट। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती। जो यहोवा का भय मानते थे एक दूसरे से बातें कर रहे थे, किसके बारे में बातें कर रहे थे? अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, अपने दुख दर्द के बारे में, अपने लाइफ में क्या चल रहा है। आपको क्यों लगता है कि आपका पूरा हक होता है किसी से शेयर करने के लिए आपका दुख दर्द? जैसे मिलते हैं पूरा कहानी बताना शुरू कि हमारे लाइफ में ये बकवास हो रहा है, वो बकवास हो रहा है, ये बकवास हो रहा है, वो बकवास हो रहा है। आपको अगर बता दिया कि यहोवा के भलाई के बारे में बात करो, यहोवा भला है, यहोवा अच्छा है, यहोवा मुझसे प्यार करते हैं, बस उतना। पर प्रॉब्लम के बारे में बताया, वाह शुरू,
इतना आसान हो जाता है। यहोवा किन बातों को लिख रहा है, वो बात जो आप यहोवा के बारे में बात कर रहे हैं। सी, जब मैं किसी से बात करता हूं ना, मुझे बहुत यॉन होता है। आई यॉन इफ समबडी इज टॉकिंग एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम द बाइबल। पर जब बाइबल के बारे में बात करोगे ना, मेरा पूरा एकदम बाइबल। मेरे कंपनी में भी अगर कोई मुझे बातें कर रहा ना, मैं ऐसे ही देखता रहता हूँ, वो बातें करते रहता हूँ, यू नो दिस एंड यू नो दैट, क्योंकि मेरे पास कुछ कॉमन है ही नहीं बात करने के लिए। क्या आपका किताब जो परमेश्वर लिखवा रहे हैं वहाँ पे खाली है? क्योंकि वो भरेगा तब तक, तभी जब आप यहोवा के बारे में बातें करोगे। ये दोनों आए, एक दूसरे से मिले, ये दोनों औरतें, इनको इन्होंने किसी भी मर्द से ये चीज शेयर नहीं किया, क्योंकि कोई भी मर्द इनको नहीं समझ पाता था उस समय में। एक बोल रही है कि मैं बूढ़ी हूं पर मुझे बच्चा पैदा हुआ, और दूसरा बोल रही है कि मैं जवान हूं, मैंने एक आदमी को नहीं जाना, मुझे बच्चा पैदा हो। ये कैसा बात है? कोई आदमी उनको पहचान, उनको समझ नहीं पाता था, इसलिए दो औरतें मिले, क्योंकि जानते थे कि एक दूसरे को वो लोग समझ पाए। उन्हीं लोगों से अपना चीजें शेयर करो जो आपको समझते हैं परमेश्वर। सबसे बातें मत करो। तुरंत वो लोग अपने माँ बाप को बता सकते थे ना कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, अरे एंजल आया था, ये आया था, वो आया था, बोलने के लिए सब बोल सकते। हर चीज को अपना जीवन के बारे में किसी के साथ भी शेयर मत करो। बी केयरफुल विथ हु यू शेयर योर लाइफ, बी केयरफुल विथ हु यू शेयर योर सीक्रेट्स। व्हाई? बहुत जन यहाँ पे बैठे हैं जो जानते हैं कि गलत लोगों के साथ सीक्रेट शेयर करने का अंजाम क्या है। बहुत जन डिसर्न। ये एक परिवार हमें मिला है, यहाँ पे हमको मालूम है जब हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, वी नो ईच अदर, वी कैन कैरी ईच अदर, वी केयर फॉर ईच अदर। पर बाहर अगर किसी और से शेयर करेंगे यही सीक्रेट ना, वो उछाल देंगे, वो आपके जीवन को तबाह। शेयर विथ ओनली वन पर्सन हु विल नो दिस फर्स्ट वर्ड। आमेन। हु कैन प्रे फॉर आमेन? यस मैन, नो मैन? तो एलिजाबेथ, मरियम यहाँ पे शीघ्र ही गई एलिजाबेथ के पास। अभी सी दिस वर्स, रीड इट वर्स 39 अगेन, बस 39, रीड वर्स 36 और वर्स 37 एक्चुअली, 36 और 37, लुक 1:36-37। और देख कुटुंब में इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बाज कहलाती थी छठवां महीना है। ओके, जो बस जो बाज कहलाती थी उसका, इसको पता ही नहीं है, व्हाट्सएप नहीं था तभी, फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं था, अपडेट नहीं किया मरियम ने कि मेरा पेट देखो बढ़ गया, हमें नहीं जरूरत है, अपडेट नहीं किया था, तो पता नहीं था, तो कैसे पता उसको वहां पे बैठे? गैब्रियल जानता था कि मिरेकल्स और चमत्कार नहीं हो रहे थे, इसलिए गैब्रियल ने कहा मरियम रुक, मैं तुझे एक चिन्ह दे, जा एलिजाबेथ को देख, उसके पेट में बच्चा है। हबाकुक, ओपन हबाकुक, वेरी ब्यूटीफुल वर्स 1:5। हबाकुक पता है किधर है? जेनेसिस के पहले, रेवलेशन के बाद। 1:5, 1:5, 1:5। अन्य जातियों की ओर चित्त लगा कर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति न करोगे। मैं तुमको ऐसे काम, आप यही दिनों में, इन्हीं दिनों में काम ऐसे करने वाले, अगर मैंने बता दिया तुमको पहले से, तुम प्रतीति नहीं करोगे, तुम विश्वास नहीं करोगे। इसलिए मरियम भी विश्वास नहीं कर, मरियम का विश्वास था पर मरियम का विश्वास मजबूत नहीं था। हाँ, गैब्रियल एंजल ने बताया तो सही तो होगा, पर कैसा होगा? जा एलिजाबेथ के पास जा। गैब्रियल भी जानता था कि एलिजाबेथ, आई मीन मरियम को एक प्रूफ चाहिए था, ठीक है। अभी वो शीघ्र ही गई। सबसे पहले बात जो हम देखते हैं ना, पर्सनल कन्फर्मेशन, लिखो अपने बारे में, नंबर वन, पर्सनल कन्फर्मेशन। पर्सनल कन्फर्मेशन को व्यक्तिगत चिन्ह, कन्फर्मेशन क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत चिन्ह। सबसे पहले बात है व्यक्तिगत चिन्ह, पर्सनल कन्फर्मेशन, पुष्टिकरण, व्यक्तिगत पुष्टिकरण। ओके, सबसे पहले बात व्यक्तिगत पुष्टिकरण। ओके, तो वर्स 39 वी सी, शी वेंट विथ हेस्ट। मरियम के पास विश्वास था पर मरियम का विश्वास मजबूत नहीं था। यीशु मसीह जब इस जगत में थे तो यीशु मसीह ने डायरेक्ट पानी पे चले? यीशु मसीह ने पहले पानी का क्या किया? दाखरस बनाया। दाखरस बनाया। उसके बाद पानी के साथ क्या किया? पानी को शांत किया। उसके बाद पानी पे चले।
ही वाज स्ट्रेंथनिंग हिज ओन फेथ आल्सो. यीशु मसीह मुर्दों को जला रहे थे, राइट. सबसे पहले मुर्दे किसको जलाए? जो अभी अभी मरे, है ना. फिर जस्ट जो अभी अभी मरे, बाद में किसका बेटी? जायरस की बेटी. ठीक है, उसके बाद जो थोड़े देर पहले मरी या बहुत पहले मरी, वो कौन है? सन ऑफ नेन, द वुमन ऑफ सन ऑफ नेन. वो उसके विधवा का लड़का लेके जा रहे थे. यीशु ने उनको रुकाया और बोला कि उठ, और वो लड़का उठ गया. उसके बाद किसको? लाजरस को, जो चार दिन पहले मरा. और उसके बाद जी उठे बाद. सबसे पहले अगर जी उठते थे तो उनका विश्वास एकदम पक्का था, पर उनको भी अपना विश्वास बढ़ाना था. तो मरियम के पास विश्वास तो था, पर मरियम का विश्वास बढ़ना या स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी था, ताकतवर होना बहुत जरूरी था. इसलिए गैब्रियल ने बोला उसको, जा एलिजाबेथ से मिल, तेरा विश्वास एक एंकर, एक एक एंकर क्या बोलते हैं उसको, एक एंकर, हिंदी में एंकर को क्या बोलते हैं, एंकर, शिप का एंकर रहता ना, एंकर, तो वो बहुत जल्द निकली. अभी एक सवाल है आपसे, रीड अल्टरली विश्वास. गैब्रियल से बात कर रही थी कि द पावर ऑफ द मोस्ट हाई, 35, रीड 35. फिर उसके बाद आगे पावर ऑफ द हाईएस्ट, मतलब सामर्थ्य भी उतर आएगा, तो और शेकिंग होना चाहिए, राइट. फिर उसके बाद तो मतलब ये वर्स पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है, जब मरियम बैठी है यहाँ पे, सडनली पवित्र आत्मा आ जाते हैं उनके ऊपर, फिर एकदम शेकिंग वेकिंग हो जाता है, फिर बाद में वो सीड कंसीव हो जाता है. ऐसे ही होना चाहिए था ना, इसके मुताबिक ऐसे ही तो दिख रहा है. व्हेन इज मेरी कंसीव, मरियम को वो बच्चा कब, बीच कब मिला? जब उसने कहा कि तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ तो शेकिंग हुआ. बट यू आर सडन द होली स्पिरिट शैल कम अपॉन यू, दैट मींस द होली स्पिरिट कैन कम अपॉन यू विदाउट शेकिंग, मतलब हिले बिना पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ सकता है. अरे तो कुछ फीलिंग वगैरह नहीं है. अगर उसको पता था कि उसको अभी बच्चा पैदा हुआ, मतलब कंसीव हुआ, तो व्हाई वुड शी रन विद हेस्ट टू एलिजाबेथ. वो अपना ध्यान रखती थी ना, अकेले क्यों जाती थी, क्योंकि उस समय में औरतें अकेले नहीं ट्रैवल कर सकते थे, और वो बहुत दूर था, दिल्ली से नीचे, ऑब्वियसली इतना दूर नहीं था, पर मैं बताता हूँ कितना दूर है. ठीक है, बहुत दूर था, 3 दिन या 2 दिन लगते थे चलने के लिए. वो अकेले क्यों जाती थी अगर उनको पता चला कि उनके पेट में बीज है, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया? पवित्र आत्मा कुछ आया नहीं, उनको कुछ पता नहीं चला पवित्र आत्मा कब आया. ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि प्रूफ करो, करेक्ट. थैंक यू कहने के लिए कि प्रूफ करो. ठीक है, लेट्स सी, रीड दिस वर्स, वर्स 43. मरियम गई है एलिजाबेथ के पास, एलिजाबेथ के पास पहुंच गई, वर्स 43 रीड. और यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई. मेरे प्रभु की माता, ये कब बन गई? अभी तो उनको न्यूज मिला, ये कब बन गई प्रभु की माता? अभी तो न्यूज मिला. मदर आप कब बनते हो वो बताओ मुझे. एलिजाबेथ बोली कि मेरे पे इतना अनुग्रह कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु के माता मेरे पास आए. उनको कैसे पता कि प्रभु का माता है? She already conceived. ठीक है, विश्वास नहीं है फिर भी ठीक है. चलो टर्न टू 56, टर्न टू 56, चैप्टर 1 वर्स 56 रीड. मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई. मरियम 3 महीने रहकर अपने घर लौट गई, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पैदा होने के बाद या पहले? बाद, उसका 9 महीने डिलीवरी हो गया. ओके, वर्स 57 रीड.
तब इलिशिबा के जन्ने का समय पूरा हुआ और वो पुत्र डिलीवरी के पहले चली गई। 3 महीने क्यों रुकी वहां पे? ओके, जॉन द बैप्टिस्ट नेक्स्ट वर्स में पैदा हो जाता है। यीशु और जॉन के बैप्टिस्ट में कितने महीने का अंतर है? 6। तो मतलब उसके 3 महीने ऑलरेडी खत्म हो गए, क्योंकि फिर 6 महीने बाकी है। उसका भी पेट बाहर आने लगा, इसलिए उसको पता चला कि मुझे जल्दी वापस घर जाना। तो मतलब 3 महीने पहले ही उनका कोख में वो बच्चा आ गया। शी वॉज कंसीव, शी कंसीव। कब कंसीव हुआ? शेकिंग के बाद नहीं, पवित्र आत्मा के आने के बाद नहीं, कुछ नहीं हुआ। पवित्र आत्मा का पावर आ जाएगा आपके ऊपर, पर क्या हुआ? As it be according to your word, be it unto me according to your word, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो, उसी टाइम वो बीज उनके अंदर डाला गया। आखिर में मैं बताऊंगा एक और चीज क्यों ये सही है। जब उन्होंने विश्वास किया, उनके अंदर वो बीज डाला गया, वही पवित्र आत्मा का आना। आप रुको मत जब तक आपको रोंगटे खड़े हो जाए ना, तभी पवित्र आत्मा आ गया। आप पवित्र आत्मा एक जगह में है, अगर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, अगर मेरे बाल खड़े हो गए, तो पवित्र आत्मा नहीं। उद्धार के टाइम पे भी तो ऐसे होता है ना, जैसे हम लोग ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर कोई आत्मा नहीं होता, लेकिन उस टाइम पे कोई झूठ का नहीं, जैसे फिर पवित्र आत्मा आ जाता है तभी, पर कुछ नहीं होता है, तभी आ जाता है ना। आज के जमाने में वही होता है कि जब पवित्र आत्मा आता है, लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा। ओके सॉरी, वो बात निकाल दो अपने दिमाग से। रीड एक्ट्स चैप्टर 2, ये बात निकाल दो कि जुमना चाहिए वगैरह। ओके, रीड एक्ट चैप्टर 2, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 1-2। जब पिंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीवे। क्या गूंज उठा, क्या हिला? घर, लोग नहीं हिले, लोग फिर भी प्रार्थना कर रहे थे। डोंट वेट फॉर अ एक्सोटिक एक्सपीरियंस टू बिलीव दैट होली स्पिरिट इज विथ यू। होली स्पिरिट इज विथ यू, यू हैव द पावर, द फुल पावर, पूरा आत्मा का शक्ति आपके पास मौजूद है। रुको मत कि मेरे साथ तो वो रशिंग ऑफ द विंड, वो ठंडी हवा, वो वायलिन का बजना, ये सब हुआ है नहीं हुआ है, वो सब के लिए मत रुको। पवित्र आत्मा, जब वचन अंदर आया, पवित्र आत्मा ही वो लेकर आया। क्योंकि कुरिन्थियों में लिखा है, पहले कुरिन्थियों 12 में लिखा है कि कोई भी यीशु मसीह को प्रभु नहीं कह सकता है पवित्र आत्मा के बिना। तो पवित्र आत्मा आप में है। अगर आपको पता है कि पवित्र आत्मा आप में है, बहुत सारी चीजें जो आप करते हो ना, आप नहीं करोगे। बहुत सारे शब्द जो आप यूज करते हो, आप नहीं यूज करोगे। हाँ या हाँ? क्योंकि अगर एक बड़ा पास्टर आपके साथ खड़ा है, आप वही गाली दोगे जो आप देते नहीं? पास्टर खड़े तो थोड़ा धर्म से बोलोगे, पर अगर पास्टर नहीं है, मेरे दोस्त है, तो मैं गाली दे सकता हूँ, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, चिल्ला सकता हूँ कुछ भी। पर अगर पास्टर है, क्यों फर्क क्यों पड़ रहा है? क्योंकि पास्टर का प्रेजेंस का रिस्पेक्ट है। पवित्र आत्मा के प्रेजेंस का कोई रिस्पेक्ट नहीं है आपकी जिंदगी में, गाली क्यों देते हो? पवित्र आत्मा है, और कोई भी अशुद्ध बातें आपके मुँह से निकलनी नहीं चाहिए। Let no corrupt word proceed out of your mouth. यीशु मसीह ने कहा कि वो जो अंदर जाता है, वो आदमी को गंदा नहीं बनाता है, वो जो अंदर से बाहर आता है, वो आदमी को गंदा बनाता है। आपके शब्दों से आपका न्याय होगा, आपके शब्दों से। So be conscious of the presence of the Holy Spirit. Amen. तो मरियम को कब वो बच्चा मिला? जब वचन पे विश्वास किया। I'll tell you ahead also, there is another proof. उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई। Amen. तो वो पहाड़ी देश में चली गई। Now it's not common for a woman to run so fast or go so fast to another place. Why? क्योंकि अकेली है। उस टाइम पे robbers were there all across the way. Okay? Mary's journey, if you come to know how it was very perilous. एक बात बताता हूँ आपको, मेरा हैंकी कौन सा, मेरा ये कौन सा, ठीक है? एक बात बताता हूँ आपको, दिस अलोन वुमेन जोसेफ के साथ नहीं गई, यूसुफ नहीं था उसके साथ, किधर गए? दिस इज इज़राइल, दिस इज जॉर्डन,
This is the Jordan River, okay? This is Nazareth, okay? And this is Jerusalem. This is Judah hill country, Hebron वगैरह जो भी है. मरियम अगर इधर से इधर आना चाहती है, बीच रास्ते से नहीं आ सकती. क्यों? बीच में क्या है? समारिया. यीशु भी बीच में से. यहूदी लोगों को हमेशा ये क्रॉस करके इधर जाना. सोचा कि मरियम कैसे गई? इधर से क्रॉस करके इधर.